पावर यार बहुत तगड़ा दिया गया, फटाक से गाड़ी जो वो स्पीड पकड़ लेती है, स्पीडिंग वगैरह इसकी सही है, 125 जैसी नहीं लगती। और सबसे बड़ा चीज़ कंट्रोल इस बाइक में बहुत अच्छा आता है, लगती नहीं है कि 125 जैसी है, कंट्रोलिंग बहुत अच्छी दी गई है, 160R जैसी कंट्रोलिंग दी गई है। मेरे पास 160R है, मैं उसको राइड करता हूँ तो मुझे पता है इसकी कंट्रोलिंग वगैरह कैसी है। तो राइड वगैरह करने में यार गाड़ी बहुत अच्छी है। ब्रेकिंग का पार्ट देखना, फटाक से रुकती है, ब्रेकिंग वगैरह भी बहुत तगड़ी दी गई है इसके अंदर, क्योंकि फ्रंट का जो डिस्क वगैरह है उसके अंदर ABS मिल जाता है, पीछे में आपको ड्रम मिलता है, तो ब्रेकिंग वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छी दी गई है। अगर गाड़ी जो है फटाक से 80-90-70 पकड़ लेती है, पता भी नहीं चलता, गाड़ी बहुत अच्छा है स्पीडिंग करने में। तो बाइक जो है पीकअप वगैरह करने में काफ़ी ज़्यादा, देखो अभी बम्प आया छोटा सा पर बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा, तो ये सब चीज़ें जो है काफ़ी सही दी गई है इस गाड़ी के अंदर। एंड इस बाइक को जो है अब हम थोड़ा सा सिटी के अंदर राइड करेंगे, एंड सिटी में राइड करने के बाद बताएंगे कि सिटी के लिए कैसी है, क्योंकि 125cc वगैरह जो है मेनली लोग सिटी के अंदर कम्यूटिंग के लिए लेते हैं, डेली राइड वगैरह के लिए लेते हैं गल जी। तो सिटी राइड में पता चलेगा कि गाड़ी के अंदर जो कंफर्ट है वो कैसा है और कैसी है चलाने में, कट्स वगैरह बजाने में। तो मेरे हिसाब से तो मुझे जैसा मैंने अभी चलाया इसको, मुझे तो लगता है यार मार्केट के लिए भी यार खतरनाक ही होती गाड़ी, क्योंकि यार बहुत अच्छी इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी दी गई है। गाड़ी का वेट जो इतना कम है ना, तो गाड़ी को हैंडल करना बहुत आसान है। 125cc होने के बाद तो पावर्स वगैरह भी अच्छे दिए गए हैं, एंड हैंडलिंग सबसे अच्छी थी, क्योंकि बहुत हम सही तरीके से रिलैक्स पोजिशन में हम यहाँ पर बैठ पाते हैं, जो कि लॉन्ग ट्रिप वगैरह में भी अच्छे होंगे, सिटी राइड में भी अच्छे होंगे, थकावट वगैरह फील नहीं होने वाली, तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी है। और टैंक का जो डिज़ाइन है, जो ये टैंक का डिज़ाइन दिया गया है, दोनों पाँव अच्छे तरीके से यहाँ पर सेट हो जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सही लगते हैं राइड करने में। एंड इसी हिसाब से गाड़ी जो है वो बहुत बेस्ट है चलाने में। बाकी अभी चलाते हैं इसको सिटी में, और सिटी में देखते हैं कि सिटी में चलाने में कैसी होती है गाड़ी, सिटी में कंफर्टेबल है या नहीं। इस एरिया में ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, अभी चलाते हैं सिटी में, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है इसका। तो सिटी वगैरह में राइड करने में देखते हैं क्या मज़ा आता है, क्योंकि सिटी वगैरह में होता है क्या, कट्स वगैरह बहुत मारने पड़ते हैं, आगे भी ऐसे चचा बचा आ जाते हैं आगे में, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है थोड़ी यहाँ पे। और गाड़ी मतलब सही है, मुझे पर्सनली मुझे बाइक जो है वो चला के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। एक करिश्मा मैंने चलाई थी, उसमें मुझे काफ़ी अच्छा जो वो फील हुआ था चलाने के बाद, और ये 125 चलाने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हुआ, क्योंकि तो गाड़ी है बहुत तगड़ी। ये एक्चुअल रिव्यू शेयर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है हीरो वाले ने पैसे नहीं दिया हमें रिव्यू शूट करने के, पर एक्चुअल रिव्यू बता रहा हूँ कि गाड़ी है सच में बना चलाने के लिए मज़ेदार, आराम से आप इसको ले सकते हो सिटी राइड के लिए, लॉन्ग राइड के लिए, जहाँ मर्जी आपको जाना है। ऐसा नहीं लद्दाख में चले जाना, थोड़े बहुत देख कर लद्दाख कैपेसिटी है तो वहाँ तक जा भी सकते हो। ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी दी गई है बाइक के अंदर, एंड 125cc लेने के बाद डेली राइड करने में काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। डेली राइड के लिए अगर किसी को चाहिए तो ये बाइक आराम से आप परचेज़ कर लो, बहुत ज़्यादा बाइक जो है कंफर्टेबल है। बात इसके अंदर कंफर्ट बहुत अच्छा दिया गया है, पिकअप वाइज सही दिया गया, एंड ब्रेकिंग का जो बाइट वगैरह था वो सही होता है, क्योंकि 125cc में हमें अक्सर ये चीज़ होता है कि ब्रेकिंग वगैरह सही नहीं मिलती, पर इसके अंदर आप लोग को जो है ब्रेकिंग वगैरह सही दिया गया, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी दी गई है। बाकी इसको और अंदर ले चलते हैं ट्रैफिक में, और ज़्यादा इसको राइड करके देखते हैं कि कैसी है चलाने में। अभी ग्लैमर के अपने सामने, तो लोग डेली यूज़ के लिए ग्लैमर, पैशन प्लस ये चीज़ें यूज़ करते हैं, पर ये भी एक अच्छा चीज़ है, आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हो। कंफर्ट आप लोग का दिया गया है काफ़ी बेस्ट, 160 जैसा दिया गया है लुक, एंड थोड़े बहुत पार्ट्स वाइज के यूज़ किए गए हैं, तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई इस बाइक के अंदर, एंड जो कि आप आराम से डेली राइड में यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ें दी गई। तो ये सब चीज़ें हैं, जो पिकअप वगैरह जो है ये थोड़ा बहुत तगड़ा गया, यहाँ पर बम्प में रोकते हैं आराम से, गाड़ी रुक गई है। तो सस्पेंशन जो वो भी बहुत तगड़ा दिया गया, 36mm का सस्पेंशन फ्रंट में दिया गया है, पीछे में आप लोगों को मोनो सस्पेंशन मिल जाते हैं, वो भी शोभा ब्रांड के, तो शोभा एक काफ़ी अच्छा ब्रांड है, उसके सस्पेंशन इसके यूज़ किए गए, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी दी गई है। बाकी और चलते हैं ट्रैफिक के अंदर और इसको राइड करते हैं, फिर उसका एक्चुअल रिव्यू शेयर करते हैं आपको, क्योंकि मेन जो है ना गाड़ियाँ दो चीज़ के लिए होती है, बहुत सारे लोग जो है सिटी राइड के लिए परचेज़ करते हैं, बहुत सारे लॉन्ग ट्रिप के लिए परचेज़ करते हैं, तो सिटी के अंदर राइड करके उसका रिव्यू शेयर करना ज़रूरी होता है, ताकि लोग एक्चुअल लोग को पता चल सके कि क्या सही है सिटी में राइड करना या नहीं करना। होगी मैं बाइक को आराम से सिटी में कितना अच्छा तरीके से राइड करना, जबकि ये टू वे है, मार्केट में जानती है आप लोग की टू वे कैसा होता है, कोई कहीं से कुछ जाता है, फिर भी जो यार कॉन्फिडेंस वगैरह इस बाइक के अंदर काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि राइड करने में सही है ना, ईजिली हम आराम से इसको राइड कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे होता है क्या ना, मेनली हम थोड़ा सा स्पीड करते हैं, फिर सामने कोई आता है, फिर ब्रेक करते हैं, फिर गियर शिफ्ट वगैरह करते हैं, गियर डाउन करते हैं, तो ये सब चीज़ें होती है। तो जैसे कि अभी वो तक आराम से कर लिया हमने, तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी दी गई बाइक के अंदर। पंच वगैरह भी जो वो काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया, और ब्रेकिंग वगैरह भी वो भी काफ़ी अच्छा दिया गया, एंड ये भी सही है सिटी वगैरह के लिए भी याद यही है, मतलब फन टू राइड बाइक है, आराम से इसको जो है आप परचेज़ कर सकते हो, मेरे तरफ से जो है थम्सअप है, आराम से इसको परचेज़ कर लो,
सिटी राइड वगैरह के लिए थोड़े बहुत अगर लॉन्ग ट्रिप वगैरह करते हो तो आप वो भी कर सकते हो, उससे ये सब चीज़ें सही इसके दी गई है। और अंदर अभी चलते हैं ट्रैफिक के अंदर और इसको राइड करके देखते हैं क्या इशू है। तो अभी तक तो मुझे सही लगा, क्योंकि होता क्या है ना, ओवरटेक वगैरह बहुत करने पड़ जाते हैं, सामने से कोई आता है फिर ब्रेकिंग करो, जैसे यहाँ पे ये चीज़ आई तो आराम से हमने ब्रेकिंग कर ली। तो यही चीज़ होती है कि ब्रेकिंग वगैरह बाइक के अंदर अच्छी होनी चाहिए, कोई भी बाइक हो, 125 हो, 160 हो, 200, कोई भी सेगमेंट की बाइक हो, जब तक ब्रेकिंग नहीं अच्छी होगी गाड़ी जो है वो बेकार है। तो ब्रेक काफ़ी अच्छे इसके अंदर दिए गए हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी है। अब जो है जैसे यहाँ पर सस्पेंशन आराम से मैंने रोक दिया, मुझे जो अभी मैंने इसको जो आराम से हाईवे पे राइड किया, सिटी के अंदर भी राइड किया, तो मुझे जो बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, आराम से मैं इसको राइड करवा रहा हूँ। बहुत यार कंफर्टेबल इसका जो है वो राइडिंग पोस्चर वगैरह दिया गया, बाइक जो है वो बहुत लाइट वेट लगती है और चलाने में काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। ये मुझे मतलब सच में मेरी तरफ से ये एक्चुअल रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो बाइक जो है वो राइड वेट करने में काफ़ी अच्छी दी गई है। अभी मैंने ब्रेकिंग वगैरह लगाया, थोड़ी सी गाड़ी ठुक गई। सो थैंक यू सो मच यूनिक मोटर्स फॉर हेल्पिंग मी दिस बाइक आउट फॉर रिव्यू। सो गाइज मेरे तब से थम्स अप है, आराम से इसको आप परचेज कर सकते हो। बाकी गाइज करते हैं इस वीडियो के यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी एंड राइड सेफ।